हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगी मूंग दाल का डोसा। मैं रात भर चावल और मूंग दाल भिगो के रख दिया है। 6-7 घंटा भिगो के इसको आराम से ग्राइंड में मिक्स कर सकते हैं। मैं 250 ग्राम चावल और 150 ग्राम मूंग दाल ली हूँ। अच्छे से भीग जाने के बाद आप ग्राइंडर में उसको पीस लीजिए। अब बैटर को इसी तरह पतला सा ग्राइंडिंग कर दीजिए। और नमक भी स्वादानुसार डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिला लीजिए। एक डेढ़ घंटा के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दीजिए। अपने आलू मसाला तैयार करूंगी बीच में टफिंग देने के लिए। मैं 200 आलू ली हूँ, इसको मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सा लाल मिर्च पाउडर, तेल आप डाल सकते हैं। अपने बैटर को चारों तरफ रखें, आराम से डालेंगे चारों तरफ। एक ही बार में बड़ा सा बनेगा। आंच को हाई रखिए। Thank you.
कोई भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अभी हमारा तैयार हो गया मूंग दाल डोसा, इसको आप कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।